अब इंदु को खोना नहीं चाहता हूं भाई साहब, अगर उसे कुछ हो गया ना तो जीते जी मर जाऊंगा मैं। इसलिए उसे अपनी परछाई से दूर रखता हूं, यही कारण है कि उससे सीधे मुंह बात नहीं करता हूं मैं। अरे तो तू क्यों डरता है इंदिरा के बारे में सच बताने से? क्योंकि भाई साहब इंदु के फ्यूचर के लिए उसकी माँ का उसके सामने होना जरूरी है, इसलिए श्वेता जो कह रही है मैं वही कर रहा हूं। उसने मुझसे वादा लिया है जब तक वो नहीं कहेगी मैं इंदु को सच नहीं बताऊं, और आप तो जानते हो कितना बड़ा एहसान किया उसने हमारे ऊपर, इसीलिए उसकी बात मान रहा हूं। उससे ज्यादा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी श्रीमती जी की जगह भाई साहब इस दुनिया में कोई लड़की नहीं ले सकती, कभी भी नहीं। साले मैं जानता नहीं हूं क्या, देखा है मैंने तेरा प्यार, जब गली में उठा के लेके जा रहा था ना तो उसको ऐसे ऐसे लग रहा था जिंदगी उठा रखी है तूने अपनी। पर क्या कर सकते हैं, वो तो गई, यादें रह गई ना। तो वो बता छोटे, कभी कभी उसकी डांट सुनने का इतना मन करता है ना मेरा, जब भी उसकी डांट गूंजती है ना मेरी कानों में तब मेरे को एहसास होता है कितना प्यार था उसकी डांट में। जी करता है कभी ना ये जाके अच्छे दिल फाड़ के ऐसे रो मैं, पर बदकिस्मती देख अपनी, बोल के रो भी तो नहीं सकते। कब तक चलेगा ऐसा? आज तो किस्मत थी, टाइम पे आ गया मैं, बच गई अपनी बच्ची, कल फिर हो गया तो ऐसा? उसका भी तोड़ है भाई साहब, और शायद भगवान भी मुझसे यही कराना चाह रहा है। आज एक बाप को अपनी बच्ची के लिए कठोर कदम लेना पड़ेगा। छोटी सिंधु के लिए कठोर कदम? जी सिने अवॉर्ड्स गोज़ टू कमल खान। सफर मेहनत से शोहरत तक का, सफर सपनों से सच तक का, पूरा होगा आपका अगर आप भी करना चाहते हैं ये सफर तय जमीन से आसमां तक। सारे गामा पा के आखिरी ऑडिशंस हो रहे हैं 9 सितंबर को आपके शहर दिल्ली में। अच्छा गाती हूँ ना, क्या कहती हो मैं भी ऑडिशन में जाऊँ?